हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि आपको कितना पानी पीना चाहिए डेली? आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है और आप ये कैसे जानेंगे कि क्या आपको खुद को कितना पानी पीना चाहिए और अपने बच्चों को कितना पानी पिलाना चाहिए? क्योंकि देखिए, हमारी बॉडी अप्रॉक्सीमेटली 70% वाटर से बनी है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन क्या हम डेली बेसिस पे उतना पानी पीते हैं जितना हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है? मैं इतने सालों से इतने पेशेंट्स देखती हूँ डेली बेसिस पे, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसे हर एक पेशेंट को अपने एडवाइस करना पड़ता है कि आप अपना वाटर इंटेक ठीक रखें। मैं भी अपने बिजी शेड्यूल में अपने पास एक बॉटल कैरी करती हूँ और थोड़ी थोड़ी देर में मैं उसको रिफिल करती रहती हूँ ताकि मैं पानी ठीक से कंज्यूम करूँ, मैं भूलूँ ना अपने पेशेंट के बीच में। यही एडवाइस मैं आप लोगों को देना चाहूँगी। चाहे आप कितने भी बिजी हों, चाहे आपका कितना बिजी शेड्यूल है, मीटिंग्स है, आप बैक टू बैक बिजी चल रहे हैं, लेकिन आपको अपने पानी का इनटेक मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, आपकी स्किन, आपकी आईज, आपके माउथ, आपका स्टमक, आपकी इंटेस्टाइंस, आपके स्टूल्स, सब चीज़ें जो हैं वो टॉस पे जा सकती हैं, क्योंकि पानी हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए नहीं कि पानी पीना जो है वो एक हैबिट होनी चाहिए। कई लोगों को मैंने देखा है कि मॉर्निंग में उठते जो है वो पूरा 1 लीटर पानी पी जाते हैं, कि भाई पूरा दिन में हमें टाइम नहीं मिलता। वो भी गलत है, बिकॉज आपको इमिजिएटली एक ही बार में सारा पानी नहीं पीना है। मैं 3 टाइम का खाना आपको एक बार में खाने के लिए नहीं बोल सकती। अगर मैं आपको बोलूँ कि ठीक है, आप बिजी हैं तो आप अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों चीजें एक ही बार में कर लीजिए, करिए, क्या आप कर पाएंगे? क्या ये पॉसिबल है आपके लिए? आपके बच्चे जब स्कूल जाते हैं, आप उनको एक वाटर बॉटल देते हैं और आपके बच्चे वो वाटर बॉटल वापस ले आते हैं वैसे के वैसे, क्योंकि उनको ना ध्यान रहता है ना उनको वाटर की इम्पोर्टेंस पता है। तो ये पेरेंट्स ही हैं जिनको ये एजुकेट करने की जरूरत है कि कितना पानी पीना उनके बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। उनकी आदत डालिए, उनको बोलिए कि जब एक सेशन, एक क्लास, एक लेक्चर खत्म हो जाता है तो उन्हें थोड़ा पानी पीना बहुत ज़रूरी है। कई लोगों को ये कंप्लेंट रहती है कि हम इतना पानी पिएंगे तो बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा। बिल्कुल जाना पड़ेगा, ये आपके बॉडी का सिस्टम है। आप जब तक अपनी बॉडी से अपना वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट नहीं करेंगे, आप निकालेंगे नहीं, तो तब तक आपकी बॉडी का सिस्टम बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। पानी हमारे लिए, सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक्सेस ऑफ टेकिंग वाटर इज ऑल्सो बैड। कई लोग 4 से 5 लीटर पानी पी जाते हैं, कई लोग 6 से 7 लीटर पानी पीते हैं, उनकी बॉडी की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कैसे जानेंगे कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है? बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, आपका जितना बॉडी का वेट है, आपके बच्चे का जितना बॉडी वेट है, आपके पेरेंट्स का जितना बॉडी वेट है, उसके अकॉर्डिंग पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 30 to 35 ml पानी पीना पर केजी बॉडी वेट जरूरी है। सो से फॉर एग्जांपल, एक 60 kg का वेट वाला कोई पर्सन है तो उसकी रिक्वायरमेंट बनती है 1.7 लीटर से 2 लीटर्स के बीच में, उनको उतना पानी पीना पड़ेगा। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपका अगर बॉडी वेट बढ़ रहा है तो आपकी वाटर की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है। अपने वाटर इंटेक को कम ना करें। वाटर मीन्स वाटर, आई एम टॉकिंग अबाउट प्लेन वाटर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर थिंग इन बिटवीन। मैं चाय, कॉफी, लस्सी, छाछ, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब की बात नहीं कर रही, मैं प्लेन वाटर की बात कर रही हूँ जो कि आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है। अगर आपने अभी इस मेरे वीडियो के बाद भी अपने वाटर इंटेक पे ध्यान नहीं दिया तो माइंड यू फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आप अपने लिए कोई एक नया डिजीज इनवाइट करेंगे। जितना आप पानी पिएंगे, आपका पेट साफ रहेगा, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकलेंगे, आपकी बॉडी जो है हेल्दी रहेगी, आपकी स्किन, आपकी आईज, आपका माउथ, आपका गला, आपकी इंटेस्टाइन, लंग्स, आपका स्टूल्स, सब चीजें जो हैं बिल्कुल एकदम बैलेंस रहेंगी। और जिन लोगों को डेली स्टूल्स जाने में प्रॉब्लम आती है,
वो लोग हैबिचुअल होते हैं ल्यू वार्म वाटर या बहुत गर्म पानी पीने के। ये गलती ना करें, क्योंकि एक्सेसिव हॉट वाटर जो है वो आपके जाके स्टमक की लाइनिंग को, इंटेस्टाइंस की लाइनिंग को ड्राई कर देगा। आप नॉर्मल पानी पीजिए। ल्यू वार्म वाटर आप सर्दियों में कर सकते हैं, बिकॉज हमें एकदम ठंडा पानी नहीं पीना। डेली बेसिस पे भी आप एकदम फ्रिज से निकला हुआ पानी मत पीजिए, आइस डाल के पानी मत पीजिए। नॉर्मल वाटर की हैबिट डालिए, आपका सलाइवा ठीक से बनेगा, आपके माउथ में आपके फूड का पूरा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारे माउथ से स्टार्ट होके एनल रीजन तक जाता है वो भी बिल्कुल बैलेंस रहेगा। मत करिए एक्सेसिव ऑफ हर्ब्स एडिंग टू द वाटर। कई लोग ऐसे ऐसे काढ़े पीते हैं जिनकी वजह से उनको पेट में गर्मी हो जाती है। लिवर, इंटेस्टाइन, स्प्लीन, पैनक्रियाज, ये सब ऑर्गन्स बहुत सेंसिटिव होते हैं फ्रेंड्स। इस पे बहुत हार्श अटैक्स मत करिए। कई लोग ऐसे ऐसे सोशल मीडिया पे वीडियोस देख लेते हैं और सिर्फ देख के वो कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया इज अ गुड प्लेटफॉर्म। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, बट कुछ चीज़ें बहुत मिसगाइडिंग होती हैं। अपने डॉक्टर की सलाह लिए बिना कुछ ना करें। आपको मुझसे कोई ऐसी क्वेरी है या आपको कोई दिमाग में कंफ्यूजन है, डाउट है, आप प्लीज़ हमसे पूछिए। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप मुझसे मिलना चाहें आप अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं। सो वी आर देयर फॉर यू एंड वी आर ऑल्सो ओपन ऑन सैटरडेज एंड संडेज इन गुड़गांव। आई प्रैक्टिस इन गुड़गांव। सो आपको जब भी कन्वीनियंट है आप मुझसे मिल सकते हैं, कॉल करें। आपको अगर आप बाहर रहते हैं गुड़गांव से, इवन दिल्ली में रहते हैं, कहीं पे भी रहते हैं और आपका आना पॉसिबल नहीं है, हम ऑनलाइन ट्रीटमेंट्स भी देते हैं, हम ऑनलाइन कंसल्टेशंस देते हैं। तो प्लीज़ आप अपना शेड्यूल जिस तरीके से भी है आप वो फिक्स करके आ सकते हैं। मेरे इस वीडियो के बाद मैं ये होप करती हूँ कि आप सब अपने पानी के इनटेक को हमेशा मॉनिटर करेंगे, अच्छे से पानी पियेंगे। टाइम लगेगा लेकिन आपका एक शेड्यूल जब बन जाएगा तो आपसे मिस नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू फील दैट दिस इंफॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, प्लीज डू शेयर। थैंक यू सो मच।